भारतीय बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े नाम एसबीआई ने भी अपने जो टर्म डिपॉजिट के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उनमें बदलाव कर दिया है और अगस्त महीने में बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो टर्म डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किए हैं, अब जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो क्या होंगे जी। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जी डिटेकी से। तो देखिए दोस्तों, मैंने एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। राइट हैंड साइड देखिए हमें ऑप्शन मिल रही है इंटरेस्ट रेट की। सो जैसे मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करता हूं, इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करने के बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड मुझे ना डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट की ऑप्शन मिल रही है। सो जैसे मैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आप देखिए डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो आरएस 2 करोड़ इंटरेस्ट रेट रिवाइज 13/8/2022। जी हाँ दोस्तों, 13 अगस्त 2022 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। तो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं? सो जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो देखिए दोस्तों हमारे सामने टेबल खुल के आ चुका है। अगर हम बात करें 7 से 45 दिन के लिए, 46 से 179 डेज के लिए, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले जितने थे अब भी उतने ही हैं। तो बदलाव फिर क्या आया है? बदलाव आया है जी, देखिए अगर आप बात करें 1 साल से लेके लेस देन 2 ईयर्स की फिक्स डिपॉजिट पे, तो अब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो 5.30 पहले मिलते थे, अब मिलेंगे जी 5.45%। उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर पहले आपको कितना मिलता था जी? 5.80%, अब मिलेगा जी 5.95%। सो दोस्तों अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हुए हैं। उसी तरह से 2 साल की फिक्स डिपॉजिट देखिए 5.35%, अब मिलेगा जी 5.50%, और सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 5.85% पहले था जी, अब मिलेगा 6.00%। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात कर ले लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट जो कि है 5 साल से 10 साल तक की, तो देखिए दोस्तों अब आपको 5 से 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, पहले मिलता था जी 5.50%, अब मिलेगा 5.65%। उसी तरह से सीनियर सिटीजन के ऊपर 6.30%, अब मिलेगा जी 6.45%। सो दोस्तों अब कोरोना में जो राहत लगातार मिली है उसके कारण जो है लगातार ही बैंकिंग सेक्टर के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें बदलाव आ रहा है। सो अब जो बदलाव हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े बैंक में हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप इस टर्म डिपॉजिट जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से टर्म डिपॉजिट करवाते हैं 1 लाख से 10 लाख तक की, तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही।